अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सईदन व्लॉग। आज मैं शिगर फोर्ट में मौजूद हूँ। आज हम आप लोगों को शिगर फोर्ट दिखाने के लिए, स्पेशल हमारे नाज़रीन के लिए हम शिगर फोर्ट आए हैं। तो मेरे साथ है राहिला बल्तिस्तानी। और राहिला बल्तिस्तानी, शिगर फोर्ट आप पहले आ चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। हद कि मैं शिगर का होते हुए मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। आप अपना पिछला थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। पिछली दफ़ा आई थी तो मैं, खैर उस वक्त मैं छोटी सी थी और तो मुझे इतना ज़्यादा याद भी नहीं है। अच्छा। लेकिन खैर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे लगा कि बहुत इन्जॉय किया था, अपने रिलेटिव्स के साथ आए थे। और इस दफ़ा भी आई, इस दफ़ा ज़्यादातर बल्ती कम दिख रहे मुझे, ज़्यादा जो है दूसरे शहर के फॉरेनर ज़्यादा यहाँ पर। सो आई होप सब इन्जॉय करेंगे। मैंने भी खैर बहुत इन्जॉय किया यहाँ। अच्छा नाज़रीन, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो मैंने बिल्डिंग देखा और आगे पीछे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम आगे पीछे एक दो लोगों से पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस क्या है और इन्जॉय कर रहे हैं कि नहीं, हम पूछेंगे इनसे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आप कहाँ से सर? सरगोधा से। सरगोधा सर, आप यहाँ पर आके क्या फीलिंग कर रहे सर? एक तो सबसे पहली फीलिंग तो ये है कि यहाँ पे जो मौसम को मिस करते हैं, अच्छा, हमें वो यहाँ पे मैसर है। अच्छा। और सकरदू वैली, जिसके बारे में कल रात भी मैंने लिखा कि ये सकरदू की खूबसूरती अपनी जगह और दरिया सिंध की दहशत अपनी जगह, अच्छा, दोनों कमाल दर्जा रखती हैं। अच्छा। तो गिलगित बल्तिस्तान का सबसे अच्छा जगह, सबसे अच्छा प्लेस आपको कौन सा लगा? इससे पहले मैंने खंजराब का भी टूर किया हुआ है, विज़िट किया हुआ है, नारान साइड का भी विज़िट किया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे सकरदू को हम क्लियर कर रहे हैं, उस हिसाब से सकरदू इन सबसे बेहतरीन जगह है। अच्छा अच्छा। तो ये शिगर फोर्ट आया, शिगर फोर्ट में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? यहाँ पे जो इस वक्त पुरानी इमारत है और यहाँ पे जो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं पुरानी, उनको देख के एक ऐसा फील होता है कि जैसे हम पिछले दौर में जा चुके हैं। अच्छा। और ये जो किला बना हुआ है पुराने पत्थरों का और उस वक्त से लेके आज तक का ये खड़ा है, तो ये एक बहुत ही नायाब चीज़ है हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखो फॉरेनर भी आए हुए हैं और मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो हम मज़ीद भी लोगों से पूछेंगे, इनसे एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे आप लोगों के लिए। आइए हमारे सर, आप कहाँ से हो सर? सरगोधा से। सरगोधा से सर, यहाँ आके सर क्या फील कर रहे हैं आप? इधर बड़ा अच्छा फील किया, फर्स्ट टाइम सकरदू विज़िट किया और स्पेशली इधर फोर्ट पर आए, शिगर फोर्ट पर। बड़ी अमेजिंग प्लेस है, इंजॉय किया, यहाँ पर पिक्चर्स बनाई हैं। अच्छा, शिगर फोर्ट में आपको क्या अच्छा लगा? एक तो आपका हमारा जो पुराना सब कुछ इधर का है, इधर का सकाफत है, वो सारा उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है फोर्ट में इधर। और बाकी सीनरी और नेचर वगैरह नेचुरली बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अच्छा, और सकरदू का सबसे अच्छा जगह कौन सा लगा, सबसे बेस्ट प्लेस? अभी हमें दो दिन हुए यहाँ आए हुए। अच्छा। हमने कल शंगरीला विजिट किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सुना है वो हमें बाशु वैली का सुना है। अच्छा। तो कल इंशाल्लाह वो विजिट करेंगे या देवसाई, दोनों में से। तो उम्मीद है शायद, मेरे ख्याल में बाशु वैली ज़्यादा बेस्ट है। बेस्ट ऑफ लक सर, और इन्जॉय करें सर नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर को एंजॉय करें। सही है, थैंक यू सर। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं शिगर फोर्ट में मौजूद हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड पे चेरी ऑलरेडी तैयार हुआ जाता है, तो चेरी रेडी है। आप मज़ीद देख सकते हैं, शिगर फोर्ट बड़ा खूबसूरत फोर्ट है। अगर जो टूरिस्ट आना चाहते हो तो हमसे रब्ता कर ले। तो ये सेरिना फोर्ट, सेरिना यहाँ पे सेरिना कहा जाता है इसे। तो बहरहाल बड़ा खूबसूरत है, आप लोग आइए और हमसे रब्ता कर ले, तो हम आप लोगों को यहाँ पर घुमाने ले के आएँ।